हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ बैंडेड विद इन अ वेरी इजी वे विद ओनली थ्री थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सैनिटाइज माय हैंड्स। सो फ्रेंड्स, डन विद द सैनिटाइजिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ डक टेप, LLPT डक टेप। सो फ्रेंड्स, आपके पास ऐसे इस टाइप के कोई भी टेप होगा तो आप ले सकते हैं ये। और फिर मैं इसे कट करके ऐसे जो इसका स्टिकी पार्ट है वो अपसाइड पे रखना है। एंड अब मैं ले रही हूँ कैनवस पेपर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। ये हार्ड वाला नहीं लेना है हमको, बिकॉज हम बैंडेड वुंड पे लगाते हैं कहीं पर भी जहाँ लग जाती है, तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। आप ऐसे फैब्रिक जो रहती है ना, सॉफ्ट फैब्रिक, वो भी आप ले सकते हो। तो मैं इसे टू पीसेज में ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो चलिए, ये फोल्ड हो गया है। अब हम इसे डायरेक्टली इस पर स्टिक कर देंगे। ये पहले वाला अच्छे से स्टिक नहीं हुआ है, मैं इसको भी स्ट्रेच करके फिर से स्टिक कर देती हूँ। चलिए, ये अच्छे से अब स्टिक हो चुका है। और अब मैं यूज़ करी हूँ ये सर्जिकल स्प्रिट, और इस दोनों जो पार्ट जो पीस था ना यहाँ पर, इस पर हम लोग अच्छे से ये स्प्रिट लगा लेंगे। अब मैं ले रही हूँ ये सिल्की पेपर है, शाइनी सिल्की पेपर है ये, इस पर स्टिक हो जाएगा अच्छे से। और फिर इसे अब मैं कट कर लेती हूँ। पहले रुक जाते हैं, हम इसको ड्राई होने देंगे कम्प्लीटली। ये भी ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। तो चलिए, अभी इसको मैं कट कर लेती हूँ बैंडेड शेप में, ताकि ये वैसा लुक देने लगे। सो फ्रेंड्स, देखिए एकदम रियल बैंडेड जैसा लग रहा है, और हमने एकदम अच्छे से इसको एकदम हाइजीनिक वे में बनाया है। और ये देखिए एकदम रियल लग रहा है, और बस इसको पील करना है और आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ भी वूंड होगा, जहाँ भी कट्स वगैरह होंगे। सिंपली से इसको आप पील करो, बहुत ईजीली निकल भी जा रहा है, और आप इसे अप्लाई कर सकते हो आराम से। सो फ्रेंड्स, आप देखिए कितना इजी वे में ये बन चुका है। आप ज़रूर से इसे ट्राई करना, और ट्राई करते ही अगर आपने ये ट्राई किया है तो इसके पिक्स वगैरह इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस यूज़फुल वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड शेयर करना तो मत भूलिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप इसे प्लास्टिक बैग्स में इसे स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। सो आप कितना भी इस टाइप का बना लो, ज़्यादा सब बहुत ईजी है, और विद इन 5 मिनट्स ये बन भी गया। तो आप बहुत सारा बना के अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए आज ही अभी, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके देन, शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।